अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल टी केक बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें हमें चाहिए आधा कप ऑयल, 3/4 कप चीनी, पिसी हुई चीनी और 2 अंडे। इनको हमने बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है बीटर की मदद से। जब ये थोड़ा सा इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए, मतलब थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए, तो इसके अंदर हम मतलब क्वांटिटी मैंने लिखी हुई ऊपर, बेकिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, वनीला एसेंस और येलो फूड कलर डाल के, और इसमें मैंने आधा कप दूध ऐड किया है, तो इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने 1 कप सादा जो मैदा होता है वो मैंने लिया है, और उसको अच्छे से हल्के हाथों से पहले उसको मैंने मिक्स कर लिया, उसके बाद फिर उसको मैंने बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट कर लिया। आपने याद रखे, केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने चीनी और जो मैदा है उसको अच्छी तरह आपने छान लेना है। छानने के बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है। अगर आप वैसे चीनी डालेंगे, चीनी के अंदर वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो वो केक मतलब जब बेक होता है तो उसके नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा केक जो है ना वो थोड़ा सा सोगी हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने 1/2 कप में थोड़ा सा अलहदा से मिक्सचर निकाल के उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया है सिर्फ डेकोरेशन के लिए, और सारे मिक्सचर को मैंने टिन में ऐड कर दिया। ओवन मैंने प्री हीट किया हुआ था नीचे वाली रॉड जोन करके 180 डिग्री पे 30 से 35 मिनट मैंने इसको बेक किया है। बेकिंग ये मैंने आपको इसके बटन्स वगैरह सारे शो करवा दिए हैं कि कैसे इसको मैंने 180 पे रख के बेक कर दिया है। अब मेरा केक 30 मिनट्स के बाद बिल्कुल रेडी था, तो मैंने इसको बटर पेपर को टिन से निकाल के बटर पेपर को रिमूव किया है, और उसके बाद मैंने गरम गरम के स्लाइसेस कर लिए। लेकिन अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरह मतलब ठंडा करके इसको स्लाइसेस करेंगे तो ये और अच्छी तरह से स्लाइस होगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार।